आपको जो उन्होंने फेलोशिप दी थी क्या दलाई लामा थी उनका अभी मार्च में मेरा 3 दिन का प्रवास था संघ के साथ। अच्छा, मेरी खुशकिस्मती रही कि दलाई लामा जी ने बल्कि मेरी किताब लॉन्च की थी और मैं टोक्यो भी आया था। मंदिर बनवाया था उन्होंने शो रखी शिवलिंग आए थे इनको जो उसने आक्रमण किया था जब तो वो शिवलिंग को तोड़ने लगे जो तोड़ के मंदिर में तोड़ते तो तोड़ने लगे खोदते खोदते जलस्तर तक आ गए शिवलिंग की जो नीचे नहीं है वो नहीं उनको मिला बिच्छू विच्छू सांपों वापों ने उनके कारीगरों को काट लिया। तो वो जो चौमुखी मंदिर है जब यहाँ इसको किसी ने मारा उनका वध कर दिया तो उनके वंशज भाग के चले गए नेपाल वहाँ पे उन्होंने वही मंदिर बनाया जो आज पशुपतिनाथ के नाम से और वहाँ की शुरुआत यहाँ से मेरे यहाँ हम लोगों ने एकमात्र चैम्बर बनाया है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। दुनिया में बड़े 10,000 चैम्बर है लेकिन मीडिया और एंटरटेनमेंट को लेकर पहली दफा दुनिया में डेडिकेटेड चैम्बर बनाया जो हम लोगों ने यहीं से बनाया था। अब उसके अंदर हम लोगों ने 162 अंतर्राष्ट्रीय कमेटी 80 नेशनल कमेटी और करीब 108 मंदिरों में दस्तक और अभी बल्कि 28 कल एक बहुत बड़ी मीडिया समिट होने जा रही है हयात के अंदर जो हम लोग करवा रहे हैं कल। अच्छा रहेगा मुझे पूरा उम्मीद है तकरीबन 60 फॉरेन डेलीगेट्स भी आ रहा है 30 कंट्रीज से तो कोशिश तो हमारी ये है कि अच्छा काम करें। धन्यवाद सर बोला कर कमी रही अभी कौन सर कमी रही थैंक यू।